हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। हमने दो टॉपिक्स कवर किए, एज इन दो वीडियोस कवर किए बैक प्रोपोगेशन के ऊपर, द व्हाट, द हाउ। दिस इज़ द थर्ड वीडियो, द वाई। ठीक है, ये सबसे कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है और जो भी आपने पिछले दो वीडियोज़ में पढ़ा है और वहाँ पर जो भी डाउट्स आपके मन में आए हैं हम उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, ये तीनों वीडियोज़ अगर आप देख लेते हो तो आपको बैक प्रोपगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे हम सीखेंगे कि बैक प्रोपगेशन हमारा जो एल्गोरिदम है उसके पीछे का इंट्यूशन क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले दो वीडियोज़ में हमने बहुत हाउ अप्रोच रखा, एज इन चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, हमने उसके ऊपर फोकस किया। बट अब हम लोग फोकस करेंगे कि चीज़ें क्यों काम कर रही हैं, बैक प्रोपोगेशन जो एल्गोरिदम है वो क्यों काम करता है, क्यों वो सही रिजल्ट्स आपको देता है, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमारा जो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा रहा हूँ। सो होता क्या है कि आप बेसिकली एक ईपॉक नंबर डिसाइड करते हो, बेसिकली आप अपने डेटा पर कितनी बार घूमना चाहते हो। ठीक है, फिर हर बार ईपॉक के अंदर आप क्या करते हो कि आप जितने रोज़ हैं आपके डेटा में उतनी बार फिर से लूप चलाते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर टाइम्स जो लूप घूमेगा वो है ईपॉक्स मल्टीप्लाइड बाय रोज़, नेस्टेड लूप है, इतनी बार घूमेगा। ठीक है, अब हर बार आप अंदर वाले लूप के अंदर क्या करते हो कि आप रैंडमली एक पॉइंट को चूज़ करते हो। ठीक है, उसके लिए प्रिडिक्शन निकालते हो यूजिंग फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, और फिर आप जो प्रिडिक्शन आता है जिसको हम वाई हैट बोल रहे हैं उसको और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई को पकड़ के उसका लॉस कैलकुलेट करते हो यूजिंग अ लॉस फंक्शन, जो कि रिग्रेशन में था MSE और क्लासिफिकेशन में था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, और एक बार जैसे ही आपके पास ये लॉस आ जाता है, अब आप क्या करते हो कि आप अपने सारे वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करते हो यूजिंग दिस रूल। ठीक है, तो सारा का सारा जो मैजिक हो रहा है ना वो इस स्टेप में हो रहा है। और हमें इसी स्टेप को समझना है कि हम क्यों इसी चीज़ से माइनस कर रहे हैं, कैसे इस चीज़ से माइनस करने पे इवेंचुअली ग्रेजुअली हमें हमारा सही वेट और हमारा सही बायस मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस अगला 10-15 मिनट्स रहेगा कि क्यों ये चीज़ सही है, क्यों हमें इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत स्टेप बाय स्टेप लेंगे, हमें इंट्यूशन समझना है तो हम बहुत स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो लॉस फंक्शन है वो एक फंक्शन है सारे के सारे पैरामीटर्स का। ये बात मुझे आपको समझानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आप फिर से उसी डेटा सेट पर काम कर रहे हो, CGPA प्रोफाइल स्कोर और कितने का पैकेज लगा, मान लो आप इस डेटा पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसमें टोटल मिला के 3 नोड्स हैं। दिस इज द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वाई हैट मिलेगा और इसको आप लॉस फंक्शन में डालोगे। सिंस ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे लॉस फंक्शन इज दिस। ठीक है, मैं आप इसको ठीक से लिख देता हूँ। हमारा लॉस फंक्शन इज वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आप ये समझो कि दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल फंक्शन। जनरली मैथमेटिकल फंक्शंस इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब होता है कहने का कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो तो y के x के चेंज होने से y चेंज होगा, इस पूरी चीज़ का यही मतलब है। तो मुझे बस आपसे ये पूछना है, थोड़ा सोच के बताना कि l किसका फंक्शन है। जैसे यहाँ पे y x का फंक्शन है, सिमिलरली यहाँ पे l किसका फंक्शन है, ये आपको सोचना है। वीडियो को पॉज करके सोचो। l का वैल्यू तो ये है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये y जो है ये क्या है, ये बेसिकली आपके डेटा में जो टारगेट कॉलम है ये उसका वैल्यू है, बेसिकली LPA का वैल्यू है। तो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज़ अ कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले में दिस इज़ अ कांस्टेंट, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू C माइनस
वाई हैट का स्क्वायर, दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट, आई कैन रिप्लेस इट विद अ नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो क्लियरली अब एक ही चीज़ बची जिसका ये फंक्शन हो सकता है, और वो है वाई हैट. और ये सही बात है कि एल इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई हैट. बट वाई हैट क्या है? अगर आप खुद से पूछो कि ये एक न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पे सारे नोड्स का एक्टिवेशन फंक्शन अगर हम मान लें कि लीनियर है, सभी जगह पे लीनियर है, तो व्हाट इज़ वाई हैट? दिस इज़ द क्वेश्चन. थिंक, सी, वाई हैट कैसे निकलेगा? इस नोड का वाई हैट कैसे निकलेगा? इस नोड का वाई हैट निकलेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, W211 मल्टीप्लाइड बाय इसका आउटपुट O11 प्लस ये वाला वेट W221, इसका आउटपुट O12 प्लस इसका बायस B21. ठीक है, बट अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ. अब यहाँ पे ये तीनों तो वेट्स हो गए हमारे और बायस हो गए. व्हाट इज O11? थिंक अबाउट दिस, इसका आउटपुट क्या है? तो आई वुड राइट इट लाइक दिस, वाई हैट विल बी W211 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वेट मल्टीप्लाइड बाय CGPA का वैल्यू जिसको हम XI1 बोलेंगे, और ये है प्रोफाइल का वैल्यू जिसको हम XI2 बोलेंगे. ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, W111 मल्टीप्लाइड बाय XI1 प्लस W121 XI2 प्लस इसका बायस B11. ठीक है, प्लस W, ये वाला लिख रहा हूँ मैं W221. अब फिर से मैं O12 को क्या लिख सकता हूँ, इसके आउटपुट को कैसे लिख सकते हैं? ये वाला वेट, ये वाला वेट, तो आई वुड राइट W112 XI1 प्लस W122 XI2 प्लस B12 प्लस दिस बायस. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर आप देखो, अब L का इक्वेशन ये है, मतलब L का इक्वेशन ये नहीं है, L में जो Y हैट है उसका वैल्यू ये है. इतना कॉम्प्लेक्स चीज़. अब इस कॉम्प्लेक्स चीज़ में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये XI1 कॉन्स्टेंट है बिकॉज ये डेटा से आ रहा है, ये भी कॉन्स्टेंट है डेटा से आ रहा है, ये भी कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है. इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़, ये चीज़, ये 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 और ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं. अगर आप इस वाई हैट को इस फॉर्मूले में डालते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो लॉस फंक्शन है, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ 9 थिंग्स. जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ का फंक्शन है एक्स, यहाँ पे आप 9 थिंग्स का फंक्शन है, ऑल द वेट्स एंड ऑल द बायसेस. तो ये पूरा जो मेरे को आपको समझाना था वो ये था कि लॉस फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल द ट्रेनेबल पैरामीटर्स. सबसे पहले आपके पास ये इंट्यूशन होना चाहिए कि आप इन 9 वेट्स और बायसेस में अगर किसी को भी चेंज करोगे या सभी को चेंज करोगे तो लॉस चेंज होगा, और आपको इन सभी को इस तरीके से ट्यून करना है कि आपका लॉस फंक्शन मिनिमम हो जाए. आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपका ये जो न्यूरल नेटवर्क है, इट इज़ बेसिकली अ बॉक्स जिसके ऊपर ये 9 नॉब्स हैं, 9 नॉब्स हैं जिनको आप घुमा सकते हो, और इनको आप इस तरीके से घुमाना है, बढ़ाना है या घटाना है, इस तरीके से घुमाना है कि जो L है वो मिनिमाइज हो जाए. ये सबसे पहला इंट्यूशन आपके पास होना चाहिए. आई होप आपको ये समझ में आ गया. तो गाइस, अगला जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो है कि ग्रेडियंट क्या होता है. मतलब आई होप आपको पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको जल्दी से एक बार कन्वे कर देता हूँ कि ग्रेडियंट का क्या मतलब है. इनफैक्ट ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एल्गोरिदम होता है उसका भी नाम है ग्रेडियंट डिसेंट. लेट मी एक्सप्लेन ग्रेडियंट क्या होता है. ठीक है, सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिंगल लाइन में बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेडियंट इज़ जस्ट अ फैंसी वर्ड, इट इज़ जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर डेरिवेटिव. और कुछ नहीं होता, ये डेरिवेटिव ही होता है. ध्यान से सुनो. सो मान लो आपके पास एक फंक्शन है वाई, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको
डिफरेंशिएट करना है वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप ये लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर एफ एक्स, या फिर आप ऐसे लिखोगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आपको मिल जाएगा टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डेरिवेटिव बोला जा रहा है। सो ध्यान से सुनो कि डेरिवेटिव और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है। जब आपका जो फंक्शन होता है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है, तो यू कॉल दिस डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करने को आप डेरिवेटिव बोलते हो, ठीक है, और इसको d वाले नोटेशन से डिनोट किया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जब आपको डेरिवेटिव निकालने को बोला जाएगा, मान लो ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जब आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जाएगा तो आप ये लिखते हो डेल एक्स बाय डेल, जैसे नाम है इस फंक्शन का जेड, ठीक है, डेल जेड बाय डेल एक्स, तो ये क्या आ जाएगा टू एक्स। आपने इसको एक्स के डिफरेंट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और जब आप ये निकालोगे डेल जेड बाय डेल एक्स सॉरी डेल वाई, तो ये आ जाएगा टू वाई। अब आपने सेम फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब ये जो चीज़ आपने निकाली इसको डेरिवेटिव ना बोल करके ग्रेडियंट बुलाया जाता है, और इसको ये डेल वाले नोटेशन से डेनोट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अब समझो इस बात को कि हमारा जो ऊपर लॉस फंक्शन है, हमारा ये जो लॉस फंक्शन है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन जो नाइन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। W1 11 W1 12, सारे के सारे वेट्स ले लो आप और सारे के सारे बायस ले लो, इतनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जब बोला जाएगा कि भैया चलो डेरिवेटिव निकालो L का, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालोगे हर वेट के रिस्पेक्ट में और हर बायस के रिस्पेक्ट में। दैट इज़ वाई इसको ग्रेडियंट बोला जाता है, दैट यू आर कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट फॉर नाइन पैरामीटर्स। तो ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि होता क्या है ग्रेडियंट, इतनी जगह अकर कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार समराइज़ करता हूँ। अगर आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो एक ही चीज़ का फंक्शन है, तो आप डी वाई डी एक्स लगा के डेरीवेटिव निकालते हो। अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ों का फंक्शन है तो आप डेल लगा करके ग्रेडियंट निकालते हो। हमारे पास जो लॉस फंक्शन है हमारे न्यूरल नेटवर्क का, इसमें नाइन पैरामीटर्स हैं। इट मीन्स L इज़ अ फंक्शन ऑफ नाइन डिफरेंट थिंग्स। तो जब बोला जाएगा L को डिफरेंशिएट करो, तो आप एक्चुअली L को डिफरेंशिएट करोगे नाइन टाइम्स, और ये बोला जाएगा ग्रेडियंट निकाल रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन चाहिए, तो अगर आप वन डायमेंशन में हो, मतलब ऐसा कुछ फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो आपका फंक्शन ये है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब हुआ कि आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। वेयर एज अगर आप एक ऐसे फंक्शन की बात करो, जस्ट वन सेकेंड, अगर आप एक ऐसे फंक्शन की बात करो जो कि 3D में है, मान लो कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ये जो फंक्शन होगा ये काइंड ऑफ 3D में होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू गेट द आइडिया, दिस इज़ अ 3D फंक्शन, ठीक है, रूम में इमेजिन करो, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप इस 3D फंक्शन का स्लोप निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारा जो लॉस फंक्शन है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नाइन डायमेंशनल फंक्शन, और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ आई एम कैलकुलेटिंग नाइन डिफरेंट स्लोप्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच डायमेंशन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दिस इज द इंट्यूशन पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो गाइस जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेरिवेटिव। सो हम लोग 11th क्लास से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना सीखते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करते हैं, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं कि डेरिवेटिव का इंट्यूशन क्या है, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। स्पेशली आज जब हम बैक प्रोपगेशन का इंट्यूशन समझना चाहते हैं,
हमें डेरिवेटिव का इंट्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, या फिर हम सीखेंगे कि इंट्यूशन क्या होता है। ऑल्सो हम एक चीज़ और सीखेंगे कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। चलो, सो जनरली इस तरीके से डिनोट किया जाता है आपके डेरिवेटिव को, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जहाँ पे वाई एक फंक्शन है एक्स का और एक्स खुद भी एक क्वांटिटी है, तो एक्स और वाई दो क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिंपल मतलब क्या होता है, आपने शायद ये वर्ड भी सुना होगा, स्पेशली फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज। तो दिस डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। इट बेसिकली मीन्स कि मान लो ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। सिंस वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो जब आप एक्स में थोड़ा सा भी चेंज करोगे, मान लो आप यहाँ पे थे और यहाँ पे लेके आए एक्स को, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आपको वाई में भी दिखाई देगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने वन से बढ़ाया तो यहाँ पे टू टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज टू, ठीक है। तो बेसिक मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी को चेंज करने पे दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है, उसी को आप डेरिवेटिव बोलते हो और उसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो अगर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है, मतलब कैलकुलेट करने पे आ रहा है टू, इट बेसिकली मीन्स एक्स को वन यूनिट चेंज करने पे वाई में टू यूनिट्स का पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि एक्स में एक यूनिट पॉजिटिव चेंज करने पे वाई में माइनस टू यूनिट्स का नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो नॉट ओनली दिस मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट बट दिस साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये दोनों हमें बता रहे हैं कि एक्स में चेंज करने पे वाई में क्या हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर आप समझो कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, तो वो भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो हमारे पास एक्स ये था, सॉरी वाई ये था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, और मुझे निकालना है एक्स इज इक्वल टू फाइव पे व्हाट इज़ द डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, टू एक्स प्लस वन। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को कितना डाल देंगे, फाइव। तो एक्स की वैल्यू को हम जैसे यहाँ पे फाइव डालेंगे तो ये हो जाएगा इलेवन। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू फाइव इज 11, या फिर आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू फाइव इज 11, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू फाइव इज 11। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैं समराइज कर रहा हूँ, डेरिवेटिव का सिंपल मतलब होता है कि आपका एक्स में चेंज करने से वाई में कितना चेंज हो रहा है, दैट्स इट, यही होता है। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड बताता है कितनी क्वांटिटी से बढ़ रहा है या घट रहा है, और साइन बताता है पॉजिटिव में बढ़ रहा है या नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे जब निकाल रहे थे डेल एल बाय लेट्स से, एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, तो हम क्या पता करने की कोशिश कर रहे थे कि डब्ल्यू वन 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 में जब आप वन यूनिट चेंज कर रहे हो तो एल पे उससे क्या असर पड़ रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड वाइज एंड साइन वाइज, ठीक है। यही हमें हमने निकाला था जब हमने डेरिवेटिव किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, w न्यू इज इक्वल टू w ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेल l बाय डेल w, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव से रिड्यूस कर रहे हैं हमारे वेट ओल्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई गेस समझ में आ गई। मेन टॉपिक पे जाने के पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक ग्राफ है और ये एक 2D ग्राफ है और यहाँ पर ये ग्राफ है और ये वाई है, ये एक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ग्राफ का मिनिमा कहाँ पर है, आई गेस आप बहुत ईजिली बोल दोगे इस जगह पर है, राइट, बिकॉज हमारी आंखें हैं, हम देख के बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम इस पॉइंट पे अकर कर रहा है। बट इमेजिन कि आप आंख बंद करके बैठे हो और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कहाँ पर सामने जो फंक्शन रखा है उसका मिनिमा है, तो बिना देखे आप नहीं बता पाओगे,
ठीक है। सिमिलरली जब हम एल्गोरिथमिकली हमारे फंक्शन का मिनिमा खोजने निकलते हैं, तो वो निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो, ठीक है, और उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हो, और फिर वहाँ से एक्स का जो भी वैल्यू आता है वहीं पे आपका मिनिमा लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था स्कूल में, ठीक है। जैसे कि यही एग्जांपल ले लो, ये जो हमारे स्क्रीन पर है, यू कैन ऑलरेडी सी कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे पता करना है कि इस इक्वेशन का या इस फंक्शन का मिनिमा कहाँ पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होगा 2x, और फिर इसको इक्वल टू ज़ीरो करना होगा, और यहाँ से मुझे x का जो भी वैल्यू मिलेगा मेरा मिनिमा वही है। और ये देखो x इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। नाउ व्हाट इफ हमारे पास जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल में है। मान लो हमारे पास ये फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये कुछ 3D में होगा, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड ये 3D में कुछ होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन का मिनिमा निकालना है, मतलब मुझे x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए z का वैल्यू मिनिमम हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूँगा डेल z बाय डेल x, और मैं निकालूँगा डेल z बाय डेल y, और इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब आप ये निकालते हो तो ये आएगा 2x इक्वल टू ज़ीरो, दिस मीन्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और इससे आएगा 2y इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स y इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर x और y जब दोनों ज़ीरो है तब z मिनिमम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बिकॉज हम जिस लॉस फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं वो 9 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, और हमें क्या करना है, इफ़ यू रिमेंबर, हमें अपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, यानी उसका मिनिमा खोजना है। और मिनिमा खोजने का मतलब क्या होता है कि मुझे 9 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, 9 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, और फिर उन 9 डेरिवेटिव्स को इक्वल टू ज़ीरो करना है, और फिर हर पैरामीटर का मुझे वैल्यू मिल जाएगा, सारे के सारे वेट्स और बायस का ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए लॉस का वैल्यू मिनिमम होगा। सो बेसिकली मुझे 9 डायमेंशनल स्पेस में मिनिमा निकालना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं बैक प्रोपोगेशन का इंट्यूशन समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो स्टेप है ना, अपडेट स्टेप, जस्ट वन सेकेंड, हम ये वाला स्टेप को समझेंगे जहाँ पे हम ये अपडेट लेते हैं, ये हमारा टारगेट है समझने का कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ठीक है। ऑल्सो थोड़ी देर के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। हमारा अजम्पशन पहला ये होगा कि लर्निंग रेट 1 है, इससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा अजम्पशन ये है कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो ये है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें ये स्टेप्स 9 बार करने हैं, 9 स्टेप, 1 फॉर ईच पैरामीटर, देर आर 6 वेट्स एंड 3 बायसेस, तो हम लोग ये 9 टाइम्स करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक छोटा सा अजम्पशन ले रहा हूँ, और मेरा अजम्पशन ये है कि सारे के सारे जो वेट्स हैं और ये जो दोनों बायसेस हैं इनका वैल्यू इस पॉइंट पे इज़ अ कॉन्स्टेंट। बस ये जो बायस है ना, ये एक्चुअली आप चेंज कर सकते हो। मेरा मतलब ये हो गया कहने का कि आपका जो लॉस फंक्शन था जो अभी तक 9 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अब उनमें से जो 8 चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंट बन गई, ये हमारा अजम्पशन है। तो इट बेसिकली मीन्स कि लॉस अब सिर्फ इसके बायस एज इन B21 का फंक्शन है, दैट्स इट। मैंने ये स्टेप जानबूझ के लिया बिकॉज आगे का डिस्कशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। जब आप ये पूरा डिस्कशन समझ जाओगे उसके बाद आप ये अज्यूम करना कि ये कॉन्स्टेंट नहीं है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से देखो, हमारा लॉस फंक्शन इज वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, बट ये जो y हैट है इसमें अब सिर्फ यही एक टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है। सो y हैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन B21 एंड दैट इज़ why L डिपेंड्स ऑन B21, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन चीज़ स्टार्ट होती है। तो अब हमारे को B को अपडेट करना है
तो बी टू वन हो जाएगा बी टू वन का पुराना वैल्यू माइनस दिस। अब बस हम ये सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमने ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया। इनिशियली लेट्स से हमने बी टू वन का एक वैल्यू से स्टार्ट किया, मान लो फाइव से, तो हम ये क्यों माइनस कर रहे हैं ये हमें समझना है। ऑल्सो ये माइनस साइन क्यों है ये भी हमें समझना है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, एल और बी टू वन में स्क्वायर का रिलेशनशिप है, तो रफली ये जो प्लॉट होगा कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे आपका बी टू वन होगा, यहाँ पे आपका लॉस होगा, तो रफली कुछ ऐसा है। अब देखो हमें करना है क्या है, हमें अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। बेसिकली हमें बी टू वन का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए लॉस का वैल्यू मिनिमम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ध्यान से देखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये है एल का डेरिवेटिव या फिर आप ग्रेडियंट बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बी टू वन। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या बता रही है कि अगर आप बी टू वन में वन यूनिट चेंज करोगे तो एल में कितना चेंज होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे एल को घटाना है, मुझे एल को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब सोच के देखना, अगर मेरा ये डेरिवेटिव जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बी टू वन को बढ़ा रहे हो तो एल भी बढ़ रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें तो लॉस को घटाना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी टू वन को घटाना पड़ेगा अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब इनिशियली जो भी वैल्यू है बी टू वन का, मान लो आपने लिया फाइव इनिशियल वैल्यू, तो लॉस को घटाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा इस वैल्यू को, फाइव से कम लेके आना पड़ेगा। दैट इज वाई नोटिस करो, यहां पर आप बी टू वन का जो एक्चुअल वैल्यू अभी है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है तो आप रिड्यूस कर रहे हो इसको। अब एक दूसरा केस लेते हैं, मान लो डेल एल बाय डेल बी टू वन नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बी टू वन को घटाते हो या फिर ऐसे बोला जाए बी टू वन को जब आप बढ़ाते हो तो लॉस घटता है और आपको लॉस घटाना है, तो आप बी टू वन को बढ़ाओगे, विच मीन्स बी टू वन का जो भी अभी वैल्यू है, जो भी अभी वैल्यू है आप उससे उसको बढ़ाओगे। दैट इज वाई आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो बी टू वन में ऐड हो जाए। तो यहाँ पर आप नोटिस करो ये जो माइनस साइन है ये कितना स्मार्टली, यहाँ पर मैं स्मार्ट वर्ड लिखना चाहूँगा, स्मार्टली ये दोनों केसेस को हैंडल कर रहा है। अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आप बी टू वन की करेंट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा और आप बी टू वन में कुछ ऐड करके बी टू वन को बढ़ा रहे हो। बट कैन यू सी यहाँ पे पूरा जो गेम है वो है डेरिवेटिव के साइन के ऊपर, ठीक है, कि आपको बढ़ाना है या घटाना है बी टू वन को। ये किस चीज़ से पता चल रहा है, बाय फाइंडिंग आउट द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट। यही तो किया आपने, आपने बी टू वन इज इक्वल टू बी टू वन माइनस क्या लगाया, डेल एल बाय डेल बी टू वन। ये पूरी चीज़ क्या है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट। तो इसी चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्राफिकली भी आपको समझा सकता हूँ, ये मैंने लॉजिकली समझाया, अब मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। सो मान लो यह बी टू वन का कर्व है और ये आपका लॉस है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया जब तो बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू था फाइव और आप इस जगह पे थे, ठीक है। आपको पहुंचना है यहाँ पे क्योंकि यही वो वैल्यू है जहाँ पे आपका लॉस मिनिमम है और आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी का वैल्यू निकालना है, सही बात है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे पहुँचना है। अब मेरी तो आँखें हैं, मैं देख सकता हूँ ये फंक्शन कैसा है और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, बट मेरा जो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है उसकी आँखें नहीं है, वो यहाँ पे बैठा है बी के वैल्यू के साथ। अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो बी को बढ़ा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर बी को घटा सकता है
और इस डायरेक्शन में जा सकता है। हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा, वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेगा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेगा, ठीक है, बेसिकली स्लोप निकालेगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालेगा। ये स्लोप है, अब ध्यान से देखो, अगर स्लोप पॉजिटिव है जैसा कि यहां पर है तो आप उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, बेसिकली इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मतलब आप बी को घटाओगे तो आप यहां पे पहुंचोगे। अगर मान लो आपने यहां से शुरू किया होता, बी का इनिशियल वैल्यू -5 होता, तो आप यहां पे जब डेरिवेटिव निकालते, इस पॉइंट पे जब डेरिवेटिव निकालते तो वो नेगेटिव आता, क्योंकि यहां पे स्लोप इज नेगेटिव। तो अब आप इस नेगेटिव स्लोप के भी नेगेटिव साइड में जाते, मतलब आप पॉजिटिव साइड में जाते और यहां पे आते। तो हमेशा याद रखना कि आप इस कर्व पे स्लोप निकालोगे जिसको आप ग्रेडियंट बोलोगे, और आप उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, दैट इज वाई ये नेगेटिव है, ठीक है। और यही लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक, ठीक है, जो हम यहां पे फॉलो कर रहे हैं। अब बात ये है कि मैं अगर यहां पर हूं, मैं अगर इस जगह पे हूं, तो यहां से कितना आगे बढ़ूं, ये मेरा सवाल है, कितना आगे बढ़ूं। तो लोगों ने बोला आप उतना ही आगे बढ़ जाओ जितना आपका करंट स्लोप का वैल्यू है, दैट इज वाई आपने इसी मैग्नीट्यूड को उठा के यहां पे डाल दिया, ठीक है। एंड दैट इज वाई दिस फॉर्मूला बिकेम दिस, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड वैल्यू माइनस दिस। सो आप क्या बोल रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जितना स्लोप है उतना ही आगे बढ़ जाओ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लर्निंग रेट का क्या फंडा है, ये लर्निंग रेट की क्या जरूरत पड़ रही है, व्हाई आर इक्वेशन इज दिस, ये लर्निंग रेट इस लॉजिक में क्या ऐड कर रहा है कि हमें लर्निंग रेट रखने की जरूरत है, ये हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि बैक प्रोपोगेशन में अपडेट क्यों हो पा रहा है। अपडेट इसलिए हो पा रहा है बिकॉज इसके पीछे का मैथ्स इस तरीके का है। सो लेट्स डिस्कस लर्निंग रेट का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ लर्निंग रेट का काम क्या होता है, कि आपका आपका बेसिक गोल क्या है, कि आप किसी भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से या फिर यहाँ से, और आपको यहाँ पहुँचना है, तो आप स्टेप्स लेते हो, आप स्टेप्स लेते हो। तो लर्निंग रेट क्या करता है, उन स्टेप्स को स्मूथ बनाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपने स्टार्ट किया था -5 से, बी इक्वल टू -5 से, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे जब ये निकाला तो आपको पता चला कि इट इज़ लेट्स से नेगेटिव स्लोप है -50, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। तो आपको क्या करना था, आपको अपडेट करना था, तो नया जो बायस होगा वो क्या होगा, पुराना बायस माइनस जो अभी आपका स्लोप है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 45, ठीक है। तो बी का वैल्यू अब कितना होगा, नया वाला 45, तो आप सीधे ना बहुत इधर आ जाओगे इस जगह पे, ठीक है। मान लो ये बी का 45 है, अब आपने फिर से इस जगह पे जब ये निकाला स्लोप, तो मान लो वो आया लेट्स से 50 ही आया, तो अब आपका नया बायस क्या हो जाएगा, नया बायस हो जाएगा करंट वैल्यू माइनस ये, तो अब आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये बी इक्वल टू -5 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक zigzag मोशन हो रहा है लाइक दिस, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि कभी कभी आप शूट आउट कर सकते हो, इस कर्व के बहुत बाहर निकल सकते हो, मतलब यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ पहुँच सकते हो, दिस इज़ नॉट गुड। दैट इज़ वाई आपको इस तरह का स्मूथ मोशन चाहिए। तो आप क्या करते हो, हर बार जो आपका स्लोप है उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, और वो फैक्टर जनरली होता है 0.1 या फिर 0.01, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो स्टेप्स होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो आप। देखो कैसे होगा, फिर से सेम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद अ वैल्यू ऑफ -5, हमारा स्लोप आया लेट्स से -50, लेकिन आप क्या करके बैठे हो, आपका ये है लर्निंग रेट, तो अब क्या हो जाएगा, नया जो बायस होगा वो होगा -5 माइनस लर्निंग रेट टाइम्स 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये प्लस हो जाएगा, तो दिस वुड बी लाइक आई डोंट नो 5 हो गया शायद, ठीक है 5.5 हो गया शायद, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अब -0.45 पे जा रहे हो, देखो आपने छोटा जंप लिया, ठीक है। फिर ये जंप जैसे जैसे आप आगे जाओगे और छोटे होते जाएंगे, बिकॉज आपके स्लोप का वैल्यू भी रिड्यूस होते जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल रीच द मिनिमम,
ठीक है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग रेट। अगर आप लर्निंग रेट को बहुत बड़ा रखो, लेट्स से डिफॉल्ट अगर 1 लेके चल रहे हो, तो फिर इस तरह का मोशन आएगा। सोचो अगर मैंने बहुत छोटा ले लिया लर्निंग रेट, तो क्या होगा, ये स्टेप्स बहुत छोटे हो जाएंगे और आप कन्वर्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, आपका एल्गोरिदम विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन। तो ये लर्निंग रेट इज़ अ ट्यूनेबल पैरामीटर एंड इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, इसको सही से ट्यून करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये गूगल का एक टूल है और इस टूल में आप क्या कर सकते हो, लर्निंग रेट चेंज करके देख सकते हो कि आप मिनिमम तक कैसे पहुंच रहे हो, स्टार तक कैसे पहुंच रहे हो। ठीक है, नोटिस करना, इन्होंने अभी सबसे कम कर रखा है 0.01। अब देखना मैं जैसे एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा, देखो स्टेप्स कितने छोटे हैं और जैसे जैसे आप मिनिमम के पास पहुँचते जा रहे हो, आपका हर अगला स्टेप और क्लोज़र है और देखो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है कन्वर्ज करने के लिए। सी, तो अगर आपका लर्निंग रेट बहुत छोटा है, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन योर मशीन लर्निंग मॉडल। अगर आप इसको थोड़ा सही करो, लेट्स से मैं इसको ले जा रहा हूँ 0.1 पे, दिस इज 0.1। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो आप सीधे इतनी दूर पहुँच गए, फिर थोड़ा आप पास में, अब जैसे जैसे आप पास पहुँच रहे हो और ग्रेजुअल स्टेप्स ले रहे हो और ये आप पहुँच गए। अगर आप इसको बहुत बढ़ा दो, लेट्स से आपने 0.1 कर दिया, हो ही नहीं रहा, जस्ट 1 सेकेंड, अरे यार दिस इज़, चलो ठीक है 1.10 है। अब देखना क्या होगा, सीधे आप दूसरी साइड में यहाँ पहुँच के, इधर पहुँच के देख रहे हो ये फंक्शन बहुत पीछे छूट गया और आप बहुत आगे निकलते जा रहे हो, ये देखो वैल्यू कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही हो रहा है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस लर्निंग रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लास्ट चीज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि हम अपना बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम कितनी बार चलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम दिखाया, अगर आपको याद होगा उसमें मैंने यहाँ पर एक ईपॉक वैल्यू सेट किया और बाहर वाला लूप उतनी ही बार चल रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली होता क्या है कि आपको लूप कितनी बार चलाना है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कन्वर्जेंस हुआ कि नहीं। अब यू माइट आस्क कन्वर्जेंस क्या है, सो अगर आप नोटिस करो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था W का न्यू वैल्यू इज इक्वल टू W का ओल्ड वैल्यू माइनस लर्निंग रेट टाइम्स दिस। अब सोच के देखो, कन्वर्जेंस का मतलब है जैसे ही आपको ये दिखने लग जाए रफली, जो आप नया वैल्यू निकाल रहे हो वो पुराने वैल्यू के बहुत क्लोज है, दिस बेसिकली मीन्स कि ये पूरा टर्म इज गेटिंग क्लोजर टू जीरो। ठीक है, मतलब स्लोप इज कमिंग टू जीरो और ये स्लोप जीरो के पास आ रहा है, मतलब आप अपना मिनिमा रीच कर रहे हो। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर आपसे कोई पूछे कि कब तक आप अपडेट करते रहोगे, तो द आंसर इज कि जैसे आप मिनिमा पे पहुंचने लग जाओ, विच बेसिकली मींस कि अपडेट करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, WN और W ओल्ड सेम आएंगे। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं कि लोग रादर देन राइटिंग दिस वाइल कन्वर्जेंस वाला कंडीशन, दे जस्ट रन अ फॉर लूप फॉर लेट्स से 100 times या फिर 1000 times, तो इतने में हो ही जाता है कन्वर्जेंस। बट एक्चुअली सही कंडीशन ये है कन्वर्जेंस, बट हम इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से लिखते हैं कि ईपॉक जब तक 100 बार घूमेगा तब तक कन्वर्जेंस हो ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सरकारी स्टाइल हमने लॉजिक लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये पूरी चीज़ हमें आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये एक टूल मुझे मिला है जिससे आप बैक प्रोपोगेशन को विजुलाइज कर सकते हो और ये बहुत बढ़िया टूल है, गूगल डेवलपर्स ने बनाया है। ये एक सिंगल वेब पेज है जहाँ पे इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को ले करके बैक प्रोपोगेशन से उसको ट्रेन किया है। ठीक है, और सब कुछ बहुत बढ़िया एनिमेशन से दिखाया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया है लोगों ने, ये इनका न्यूरल नेटवर्क है, उसके बाद सारी चीज़ें ये एक एक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एरर फंक्शन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करके दिखा रहे हैं, फिर बेसिकली पूरा मैथ्स इसका दिखा रहे हैं, उसके बाद एरर निकाल के बता रहे हैं, उसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर फुल फ्लेज्ड बैक प्रोपेगेशन कर रहे हैं और दैट्स इट, मतलब
इस डायग्राम को देख करके आपको थोड़ा बेटर अंदाज़ा लगेगा कि चीज़ें कैसे काम कर सकती हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी वेब डेवलपमेंट आता है तो यू शुड ट्राई आउट दिस प्रोजेक्ट। बैक प्रोपोगेशन आपने सीख लिया है, इसको एनिमेट करने का ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। तो या दैट्स इट। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हम लोग आगे के वीडियोज़ में डीप लर्निंग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।